गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। और पता क्या हुआ था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि बच्चों ने चिड़िया के खाने पीने, धूप से बचने की व्यवस्था कर दी थी। आगे क्या होता है कि गर्मी बहुत थी, बच्चों के जो पिताजी थे वो दफ्तर मतलब ऑफिस गए हुए थे। अम्मा मम्मी जो थी वो दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई। लेकिन बच्चे जो थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे, बहुत ही ज़्यादा उतावले थे, इसलिए उनकी आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही मम्मी को लगा कि बच्चे सो गए हैं, उन्होंने सोने का बहाना किया और साथ ही साथ अपनी मम्मी के, अपनी अम्मा के सोने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी अम्मा जी सो चुकी हैं, वैसे ही दोनों चुपके से उठे, धीरे से दरवाज़ा खोला, सिटकनी मतलब दरवाजे की कुंडी, दरवाज़ा खोला और बहुत ही हिफाजत, बहुत ही सावधानी और सुरक्षा के साथ बाहर निकलने के, अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगे। केशव कमरे से एक स्टूल उठाकर ले आया, लेकिन जब स्टूल से काम न चला तो उसने साथ ही साथ एक नहाने की चौकी लाकर भी स्टूल पर रख ली। स्टूल छोटा था तो उनको लगा कि ये स्टूल की ऊंचाई हम ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उन्होंने स्टूल के नीचे क्या किया, एक चौकी भी रख ली। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को कसके पकड़ी हुई थी ताकि उसका भाई आराम से ऊपर सारा सामान को रख सके और गिरे ना। स्टूल की चारों टांगें, स्टूल के जो चारों पाए थे वो बराबर नहीं थे, जिस कारण से क्या हो रहा था, स्टूल बार बार हिल रहा था। होता है ना कि थोड़ा ऊंचा नीचा हो तो बार बार चेयर या स्टूल हिलता है, तो वैसे ही था कि स्टूल की चारों टांगें बराबर नहीं थी जिस कारण से वो बार बार हिल जा रहा था। उस वक्त केशव को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ रही थी और उसे डर भी लग रहा था कि अगर मैं गिर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आएगी। उसने दोनों हाथों से कार्निस को पकड़ रखा था और बार बार बहुत धीमी सी आवाज़ में, बहुत हल्की सी आवाज़ में श्यामा को डांटता कि अच्छी तरह मुझे पकड़, तेज़ आवाज़ में नहीं डांट सकता क्योंकि मम्मी उठ जाती, तो हल्की आवाज़ में वो श्यामा को डांटता ताकि श्यामा उसको और टाइट करके पकड़ी रहे। बढ़ना उतर कर बहुत मारूंगा, उसे बार बार डर लगता है स्टूल हिल रहा है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो धीमी सी आवाज़ में डांटता कि टाइट करके पकड़, वरना उतर के मैं बहुत मारूंगा। लेकिन बेचारी श्यामा क्या करे, उसका पूरा ध्यान जो था, उसका मन जो था, वो ऊपर कार्निस पर लगा हुआ था। वो बार बार जैसे ही ऊपर की तरफ ध्यान केंद्रित करती, वैसे ही उसकी पकड़ जो थी वो ढीली हो जाती। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। जैसे ही केशव ने कार्निस को पकड़ा और ऊपर सामान रखने का प्रयास किया, वैसे ही दोनों चिड़िया वहाँ से उड़कर चली गईं। केशव ने कार्निस पर थोड़े से तिनके बिखेर दिए ज़मीन पर, ठीक है, उसने देखा वहाँ पर 3 अंडे थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखा था, किताबों में पढ़े थे, वैसा घोंसला वहाँ पर नहीं था। वहाँ क्या था कि केवल कुछ तिनके थे जो ज़मीन पर पड़े हुए थे। श्यामा ने फिर नीचे से पूछना शुरू किया क्योंकि उसके मन में इतनी जिज्ञासा थी कि वो अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। श्यामा ने पूछना प्रारंभ किया के बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं भैया? केशव ने जवाब दिया 3, अभी बच्चे नहीं निकले, 3 अंडे हैं। श्यामा ने फिर कहा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ। बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए, उसने कहा कि पहले कपड़ा लेकर आ जा, कपड़े के चिथड़े यहाँ पर बिछा दूँ, क्योंकि जो अंडे हैं वो कहाँ हैं, तिनकों के ऊपर पड़े हैं। केशव को नहीं पता कि तिनके के ऊपर ही अंडे स्थिर रह सकते हैं, उनको छूना ठीक नहीं होता। श्यामा दौड़ कर गई, उसने अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने नीचे झुका, उसने टुकड़ा लिया कपड़े का और उसकी एक गद्दी बनाई और उसको तिनकों के ऊपर बिछा दिया और धीरे धीरे करके तीनों अंडे उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने फिर उसकी बात को टाला और कहा दिखा दूंगा, पहले ज़रा टोकरी दे दे, ऊपर छाया कर दूँ। श्यामा ने जल्दी से टोकरी भी दे दी और फिर उसकी जो
उत्सुकता थी वो स्थिर नहीं हो रही थी। उसने कहा, भैया अब तुम नीचे उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका दिया और कहा, पहले जरा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं फिर तुझे दिखा दूंगा। केशव इस तरह से श्यामा से बार बार काम कराया जा रहा था और श्यामा भी जल्दी जल्दी काम कर रही थी ताकि उसका नंबर भी आए और वो भी प्याली अंडों को देख सके। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने कटोरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी बहुत ही आहिस्ता, मतलब बहुत ही धीमे से। श्यामा ने फिर गिड़गिड़ा कर कहा, बहुत ही धीमी सी आवाज़ में कहा, हमको भी दिखा दो भैया। फिर केशव ने यहाँ से अपनी बात को पलटना शुरू कर दिया। उसने कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, नहीं, कहीं तू गिर पड़ी, तुझे चोट लग गई तो अम्मा मेरी चटनी बना देंगी, मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई करेंगी, कहेंगी तूने चढ़ाया क्यों, तो तू क्या करेगी देखकर, रहने दे। अब अंडे बड़े आराम में हैं, ठीक से रखे हैं और उनके खाने पानी की व्यवस्था भी हो गई है। दोनों चिड़िया बार बार कानिस के पास आती और बिना बैठे वहाँ से उड़ जाती। केशव ने सोचा, अब क्या होता कि केशव और श्यामा वहाँ थे और साथ ही साथ इन्होंने अंडों को छू लिया था, इसलिए चिड़िया बार बार आते और बिना कानिस पर बैठे वहाँ से उड़ जाते। तो केशव को ऐसा लगा कि शायद हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे डर के कारण ये चिड़िया यहाँ पर नहीं आ रही। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी, सारा सामान जहाँ से उठाया वहाँ रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। श्यामा ने कहा कि अब श्यामा जो थी वो बहुत ही भावुक हो गई थी, रोने लगी थी। उसने कहा, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए भैया, अब मैं अम्मा से कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा से कहेगी तो बहुत मारूंगा, बता देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे अंडे क्यों नहीं दिखाए। अब यहाँ पर दोनों भाई बहनों में थोड़ा झगड़ा सा होने लगा। केशव ने कहा, तू गिर पड़ती तो चार सर ना हो जाते, अगर तू गिर जाती तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं अम्मा से कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुल गया, इतने में घर का दरवाजा खुल गया। माँ अंदर छांव से बाहर आई थी तो धूप के कारण उसकी आंखें पूरी नहीं खुल रही थी। वो हल्की हल्की आंखों को झपकाते हुए दोनों बच्चों से पूछने लगी, तुम बाहर कब निकले। मैंने कहा था ना कि दोपहर में बाहर नहीं निकलना, किवाड़ किसने खोली। ये सारे सवाल माँ बच्चों से पूछने लगी। किवाड़ केशव ने खोली थी, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा था कि भैया की पिटाई लग जाएगी। अब क्या था कि दोनों भाई बहनों ने मिलकर ये काम का किया था, इसलिए केशव ने दरवाज़ा खोला, ये बात श्यामा ने माँ से नहीं की। और साथ ही साथ इसलिए भी नहीं बताई क्योंकि उसे पता था अगर वो कहेगी कि माँ केशव ने दरवाजे खोले तो फिर केशव की पिटाई लगेगी। और यहाँ केशव की हालत डर के मारे ख़राब थी कि अगर श्यामा ने कह दिया, क्योंकि मैंने उसको अंडे तो दिखाई नहीं, अगर श्यामा ने कह दिया तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। लेकिन अंडे के नहीं दिखाए थे इसलिए उसको पूरा विश्वास था। लेकिन श्यामा ने जब नहीं कहा, श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी। श्यामा ने कुछ इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसे अपने भाई से बहुत अधिक प्रेम था। और इस सारी प्रतिक्रिया में श्यामा भी पूरी तरह हिस्सेदारी निभा रही थी, इसलिए भी उसने माँ से नहीं कहा। इसका फैसला नहीं किया जा सकता, शायद दोनों बातें ही हो सकती हैं। अब यहाँ हम अभी कह नहीं सकते कि श्यामा को अपने भाई से प्यार था इसलिए उसने शिकायत नहीं की, या फिर दोनों ने मिलकर इस काम को किया इसलिए शिकायत नहीं की। माँ ने दोनों को डांटा, चिल्लाया और उसके बाद कमरे के अंदर ले गई। आप धीरे धीरे उनके ऊपर पंखा करने लगीं क्योंकि गर्मी के दिन थे और अभी क्या था, सिर्फ दोपहर के 2 बजे थे, बाहर तेज गर्म हवा चल रही थी। दोनों बच्चों को अब नींद आ रही थी या नींद आने की प्रारंभ हो गई थी क्योंकि उनके दिमाग में जो फितूर था चिड़िया की रखवाली का, उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, ये काम अब वो पूरा कर चुके थे। तो जैसे ही माँ उनके ऊपर पंखा करने लगी, दोनों बच्चे निश्चिंत होकर सोने लगे।